हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोस 10 वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस, आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो अगेन एक इंडियन विस्की है एंड इट इज़ अ न्यू एंट्रेंट इन द इंडियन मार्केट। उसका नाम है रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड। सो गाइस, ये एक ब्लेंडेड विस्की है। इट हैज़ मोलासेस इन इट, बट द गुड पार्ट अबाउट दिस विस्की इज दैट it is a blend of neutral grain spirits, that is molasses spirits and scotch malts, as well as American bourbon whiskies which have been matured in American oak barrels. So this is comparatively a new thing that they have experimented with. Craig Wallace, who is the master distiller and blender for this whiskey, they have created something very new for the Indian market. And this is what they have done. This comes from the Royal Challenge line. Royal Challenge का मैं already review कर चुका हूँ. The link is in the I button. Go ahead, watch that video. Detailed review है. उसका next variant जो है अभी इन लोगों ने निकाला है, which is American Pride. तो चलिए इसको review करते हैं. This is a 750 ml bottle, which is bottled at 42.8% ABV. तो चलिए इसको ओपन करते हैं, बट उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बॉक्स के बारे में कुछ बताते हैं। तो जो आइकॉनिक लायन का लोगो है यहाँ पे, वो ऑलरेडी है, जो रॉयल चैलेंज का लोगो है। अ वेरी गुड पैकेजिंग इंडीड। मैंने पहले भी बताया था रॉयल चैलेंज की रिव्यू में कि रॉयल चैलेंज की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो येस, आई कैन सी दैट। इफ़ यू सी, इट्स गॉट अ वेरी गुड पैकेजिंग। Right, let's go ahead and open it and let's see what this whiskey has to offer. That's American Pride Royal Challenge for you. जो बॉटल है वो काफ़ी हद तक मुझे जो है जॉर्डीज बार की बॉटल की तरह लग रही है। सो येस, दैट्स हाउ इट इज़। बट द गुड पार्ट इज द पैकेजिंग इज गुड, द quality of this is really good. So yes, it is comparatively a good packaging and a good bottle. And iske sath aapko ek recipe milti hai for American highball cocktail. To chaliye, let's go ahead and open it, pour it, and let's see what this whiskey has to offer. Chaliye. चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ दिस विस्की। बट उससे पहले कलर देखते हैं। कलर इज डार्क गोल्डन। चलिए, लेट्स गो अहेड एंड नोज इट। द गुड पार्ट अबाउट दिस विस्की इज इट डज नॉट हैज एडेड फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स टू इट, विच इज अ गुड थिंग। चलिए, वाओ, इट हैज दैट एल्कोहल बर्न इन इट। बट नोजिंग की बात करें तो इट हैज़ गॉट गुड वनिलिन एंड यू नो कैरमल काइंड ऑफ नोट्स इन इट, सम रेजन्स इन इट। एक हल्का सा फ्लोरल अरोमा भी आ रहा है मुझे इसमें। अ बिट ऑफ ओकिनेस। चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट। बोलूंगा अप फ्रंट जो है स्वीट पैलेट है इसका, विद वनिलिन इन इट। ज्यादा लॉन्ग फिनिश नहीं है, मीडियम भी नहीं है फिनिश, शॉर्ट फिनिश है इसकी। माउथ फील जो है वो काफी अच्छा है, अप टू मीडियम है, मीडियम पूरा नहीं है बट अप टू मीडियम है, विद वनिलिन नोट्स इन इट, अ बिट ऑफ यू नो कैरमल नोट्स इन इट। चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट।
अल्कोहल का बर्न है बट इतना ज़्यादा नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल। प्लस इसमें जो ओकीनेस है वो आ रही है, वनिलिन के नोट्स आ रहे हैं, आई कैन गेट दैट कैरमल एंड दैट काइंड ऑफ रेजिन्स एंड हनी के थोड़े से फ्लेवर्स आ रहे हैं मुझे। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग, लेट्स ऐड अ डैश ऑफ वाटर इन इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। चलिए मुझे अब हल्की सी मॉल्टीनेस आनी शुरू हो रही है, नोट्स ऑफ ओक एंड नोट्स ऑफ वनीला आर देयर, हल्की सी फ्लोरल अरोमाज आ रहे हैं मुझे, दोज हिंट्स ऑफ हनी एंड कैरमल आर देयर। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट। इट हैज़ रिटेन्ड इट्स स्वीट पैलेट बट वो नोट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, बहुत सबसाइड कर गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेलो डाउन हो गई है ये विस्की। आई कैन स्टिल गेट हनी इन इट, आई कैन स्टिल गेट वनीला इन इट, आई कैन स्टिल गेट ओकीनेस इन इट, बट वो बहुत ज़्यादा फेंट हो गए हैं। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट। हल्का सा वो कैरमल या फिर पॉपकॉर्न का फ्लेवर आना शुरू हो गया विद दैट माल्टीनेस एंड हल्का सा हनी का फ्लेवर आ रहा है मुझे, बिट ऑफ ओकीनेस वनिलिन। या आई गेस दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट दिस विस्की। तो अगर मैं इस विस्की के एफिशिएंसी रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट 8 एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट 9। तो इस विस्की का एफिशिएंसी नंबर होता है 8.5। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड विस्की, इट कैन बी यूज्ड इन कॉकटेल्स, इट कैन बी ड्रंक एज इट इज एज वेल, बट डोंट ट्राई दैट क्योंकि इंडियन विस्की है एंड हैज़ गॉट मोलासेस इन इट, तो डोंट ट्राई दैट। But yes, you can use it with soda, with water. Try it and let me know in the comments below कि आपको कैसी लगी। But do drink responsibly and do not drink and drive. And as we say in Aficionados 10, stay classy and cheers.